तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं हिफ्जा का बर्थडे शूट करने। एक साइड से हम लेंगे इसको छोटा और एक साइड से हम लेंगे इसको बड़ा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो हम जा रहे हैं आज हिफ्जा का हेयर कटिंग करवाने के लिए, सेट करवाने के लिए। ये देखो काफी बड़े हो गए हैं, तो यहाँ से सेट कर देंगे। हिफ्जू का बर्थडे पैम्परिंग हो रहा है। तो चलो हिफ्जू का पूरा आउटफिट दिखाओ। हिफ्जू कैसी लग रही है बोलो? चलो चलते हैं, तो आप भी चलिए। हिफ्जा को बोल दिया कि वो टकली करने जा रहे हैं इसकी। हिफ्जा उधर कहाँ जा रही हो? हिफ्जा कहाँ छुप के खड़ी है? चलो अच्छा, नहीं टकली करेंगे, पक्का नहीं करेंगे टकली, खाली सेट कराएंगे सेट। ठीक है, कहाँ जा रही हो? बाल सेट करवाने। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी मेरी चाची का घर है यहीं पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं, है ना हिंदू? हिंदू अपनी नानी के यहाँ पे जाएंगे। बचपन की यादें ताजा हो गई फ्रेंड्स। देखो कितना क्यूट है ना ये किचन सेट, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्यूट। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई कि हम भी ऐसे खेला करते थे, है ना फ्रेंड्स? यहाँ पे हम सारे कजन्स, चाची वगैरह सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, ढेर सारी बातें करी। हिफ्जा लोग खेल रहे थे, खूब इंजॉय किया, अच्छा लगा सबसे मिल। घर पे और हम लेकर आए फाइनली हमारा दवा, और वो दवा क्रीम मिली है मेरे को 425 रुपए की, इतनी महंगी ये दवा मिल तो गई, लेकिन देखते हैं अब असर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है आपको जरूर बताएंगे। फिर आपको बताऊंगी कि आप यूज़ कर सकते हो या नहीं है, या मैं तो बोलूँगी स्किन के लिए है, तो आप ना डर्मेट को दिखाकर ही कोई भी चीज़ यूज़ करो। सी तो हम आ गए घर पे, सो अभी हम थोड़ा आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, कितने दिन से मेरा ये काम पड़ा हुआ था, मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मैं हिजाब बांधना सिखा दूँ, क्योंकि उनका मैसेज बहुत पहले ही आया था मुझे, बट मैं आज अच्छे से फ्री होके स्पेशली उनके लिए ये हिजाब ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई और स्टाइल का चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। ये देखो एक साइड पे छोटा और एक साइड पे बड़ा लेना है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से नीचे से नोज़ पीस के नीचे से, मतलब चिन के नीचे से अपने लेना है, कि मैंने नोज़ पीस लगाया हुआ है दैट्स वाई मैं ऐसे बोल रही हूँ। और फिर उसको क्लियरली उसको परफेक्ट करना है, क्योंकि मैं मिरर में नहीं देख रही थी, मैं डायरेक्टली फ़ोन में ही देख रही थी, दैट्स वाई मेरा इतना परफेक्टली नहीं आ रहा था बार बार, तो मैं उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसको हम परफेक्ट करेंगे, और ये इतना इजी है, बस ऐसे ही करना है और इसको परफेक्ट करके वहाँ पर पिनअप कर लेना है। इजीली इतना अच्छे से बन भी जाता है और चेस्ट भी कवर रहता है, उससे कोई मतलब इशू नहीं आती। आप इजीली कहीं भी ये बना सकते हो, और सबसे इजी भी बनाने में है, और चेस्ट भी कवर रहता है, और मतलब किसी चीज़ की कोई झंझट नहीं होती है, एकदम इजीली सब कुछ हो जाता है। देखो कितना इजी बन के तैयार हो गया है, और आप चाहो तो इसको पीछे रखो, चाहो तो इसको आगे रखो। ये लो देखो, आगे रखते हैं तो कुछ इस तरीके से लगता है, और पीछे रखो तो पहले जैसे मैंने दिखाया था वैसे। तो दैट्स इट, कैसे लगा आपको वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। The next morning. हिफ्जा की नानी ने हिफ्जा के 15th अगस्त के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू कर दी हिफ्जा के लिए ये, और ये इसके बर्थडे का गिफ्ट है, बर्थडे ड्रेस का मैचिंग पिन है नानी ने दिए, और ड्रेस बर्थडे के दिन ही देखने मिलेगा आप लोग को। A few moments later.
तो फ्रेंड्स ये है हिफ्जू का बर्थडे गिफ्ट, उसके फुफ्फा ने दिए हैं और हिफ्जू ने मेहंदी भी लगा ली है अपने बर्थडे के पैम्परिंग पीछे वाला दिखाना, पीछे देखो, पीछे 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 ये देखो कैसा लग रहा है आपको, किसका बर्थडे है, कभी है, कभी है, अगस्त तारीख को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं हिफ्जा का बर्थडे शूट करने। हिफ्जा कितनी प्यारी लग रही है, हाथ दो प्रिंसेस। हाय करो, हाय कर दो, हाय। हम पहुंच गए ब्रीच पर, देखो गाइस ये लोग जा रहे हैं गाइस। सर 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 चल ना भाई फटफट, ये देखो ये लोग मेरे से व्लॉगिंग करवा रहे, इसको वायरल कर देना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा फ्रेंड्स। हिफ्जा को बोल रहे मामू को देखो ऐसे करो, तो ऐसे कर रही है। कैसे करी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी बीटू। चलो अहमद बैक टू होम गाइस। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर पे और थोड़ा अच्छे से फोटोशूट हो नहीं पाया, भाई को लेट हो रहा था, उसको जाना भी था। और हिफ्जा है कि इतनी नखरे, इतने नखरे दिखाई हिफ्जा ने, वो अच्छे से फोटोशूट कराई ही नहीं। सी देखो हिफ्जा सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे व्लॉग जल्दी ही आएगा, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।